नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है मेहनत का फल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, संजय और मनोज। वे दोनों बेरोजगार थे। उन्होंने अपने परिचित गुरुजी से अपनी परेशानी बताई और कहा, गुरुजी हमें कुछ रुपये दीजिए जिससे हम कुछ काम धंधा शुरू कर सके। गुरुजी ने दोनों दोस्तों को 1,000 रुपये दिए, साथ ही यह कहा, 1 साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। दोनों ने गुरुजी की बात मान ली और फिर वे रुपये लेकर चल पड़े। रास्ते में संजय ने कहा, हमें इन रुपयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। पर मनोज ने कहा, नहीं, अब हम कुछ दिन अच्छे स्थानों पर घूमने जाएंगे और मौज करेंगे। 1 साल बीत गया। 1 साल बीत जाने के बाद दोनों दोस्त गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने पहले मनोज से पूछा, तुमने रुपयों का क्या किया? क्या लौटाने के लिए रकम लाए हो? मनोज ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, गुरुजी किसी ने धोखा देकर वे रुपये ठग लिए। फिर उन्होंने संजय से पूछा, तुम भी खाली हाथ आए हो क्या? संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं गुरुजी, ये लीजिए आपके 1,000 रुपये और अतिरिक्त 1,000 रुपये। गुरुजी ने पूछा, तुम इतने रुपये कैसे कमा लाए? क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? जी नहीं, संजय बोला, मैंने तो अपनी सूझबूझ और मेहनत से ये रुपये कमाए हैं। एक किसान को परेशान देखकर मैंने उसके सारे फल खरीद लिए, फिर उन्हें शहर में जाकर बेच दिया। इसके बाद वह प्रतिदिन मुझे फल ला देता और मैं उन्हें बेच देता। कुछ दिनों के बाद मैंने शहर में दुकान ले ली और फलों का कारोबार शुरू किया। इतना कहकर उसने गुरुजी को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और अतिरिक्त रुपये किसी जरूरतमंद को देने के लिए रखने का आग्रह किया। गुरुजी संजय से बहुत खुश हुए। उन्होंने मनोज से कहा, अगर तुम भी समझदारी तथा मेहनत से काम करते तो सफल हो सकते थे। संजय ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समय का सम्मान करो और श्रम का महत्व समझो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए और श्रम का महत्व समझना चाहिए। सफलता एक दिन हमारे कदम जरूर चूमेगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।